चलो जी व्लॉगिंग। हाँ चलो गोइंग बैक टू वर्क। वो अभी आए, उन्होंने बोला आप व्लॉगिंग मत छोड़ना, बस कुछ भी हो जाए। ए ए जुली 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये गाड़ी में अभी हम सोनिक क्वार्ट्ज कलर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ की शायद हम बुकिंग लेने वाले हैं। सब्सक्राइबर हैं, मिलके बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी। उनका भी यूट्यूब चैनल है आई थिंक MP49 एक्सप्लोरर के नाम से, तो कंटेंट एक बार जाके ज़रूर देखना। राइट, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। पता है देखो खोल दिया, यहाँ से हम लोग को गाड़ी के लिए पार्किंग बनानी है करीबन वहाँ तक। तो ये ग्राउंड वगैरह सारा लेवल करना है, ये एरिया क्लीन करना है, हो सकता है कॉम्पैक्शन करना पड़े। और उसके बाद कल मेरी पत्रे वाले से भी बात हो गई थी, एस्टिमेशन निकाल रहा है। कार्ले में अभी हमारे पास 3 गाड़ियाँ स्टॉक में है, एक बलेनो, एक सियाज और एक जीप कंपस। पार्किंग करने में वर्कशॉप में बहुत दिक्कत हो रही है, हमारी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ पार्किंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये जल्दी से जल्दी रेडी करना है, इसका रेंट भी शुरू होने वाला है एंड वो गाड़ियाँ फिर यहाँ लगेंगी। काफी बड़ी जगह है। हाँ मतलब डिसेंट है, यहाँ पे 8 गाड़ी हमारी लग जाएगी। ये फॉर्च्यूनर ने जान ले ली है पूरी, हालत देख गाड़ी की जो है, ये पलटी खा गई थी। दरवाजा क्या फटा हुआ है ये ऐसे? पहले तो फटा हुआ, फूका हुआ भी है। दरवाजा बीच में से फटा हुआ था, अभी उसको पूरा रिपेयर किया है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिपेयर होती है भाइयों, ठीक है, हर चीज रिप्लेस नहीं होती है, पर जहाँ पे रस्ट लगा हुआ है वहाँ पे करना पड़ता है। अभी रस्टेड नहीं था, बहुत माइनर माइनर है ऊपर ऊपर का, बट इस गाड़ी में काम बहुत है। आपके कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, और उससे पहले भी तो काम किए हैं इसमें हम। और कितना टाइम जाने वाला है? हफ्ते से 10 दिन। तो स्टैंडर्ड हम लोग को डेंटिंग करने में जो है गाड़ी का 2 से 3 दिन जाते हैं अगर पेंट जॉब करना हो। इसमें इनके 3 दिन जा चुके हैं और 8 से 10 दिन जाने वाले हैं, तो दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क। एक्सीडेंट था ना तो इसलिए मतलब दिक्कत हो गई, बट ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने में मजा भी आता है। बीच बीच में जब रेडी होती है तो लगता है कि कुछ किया है। अच्छा अब सुनो, ये देखो हमें यहाँ से लेना है, यहाँ 1 फीट छोड़ना है बस, ठीक है। अब वहां से क्या करना है, वहां से यहाँ 20 फीट लेना है, इतना ही हमको मिट्टी काटनी है, बाकी का ये लेवल छोड़ देना। गुड मॉर्निंग, आज वापस से कुछ कीड़े करने का मन किया तो ऑक्टाविया के पैनल्स वगैरह रिमूव कर रहे हैं, एम्बिएंट लाइटिंग बिठा रहे हैं आज इसमें। चारों डोर्स में भी हम लाइट बिठाने वाले हैं, डैशबोर्ड के नीचे, पीछे की सीट के नीचे और डैशबोर्ड के सामने की पट्टी, इन सब में एम्बिएंट लाइट आएगी जो कि रेनबो कलर में ऑपरेट करेगी। तो मेरे को बहुत दिन से मन कर रहा था, रैपिड में मैंने करके रखी हुई थी, है ना, पता नहीं कितने लोगों ने वो नोटिस किया है नहीं किया, तो सोचा इस पे भी कर ही लेते हैं, थोड़ा इंटीरियर अपलिफ्ट हो जाता है। तो बस वही खोल रहे हैं और काम सारा करना है। डैशबोर्ड में भी सेंटर पट्टी आएगी ना, टिकती है क्या ऐसे, बाहर तो नहीं निकल आती वापस? निकलता नहीं सर इसको। कौन सा वीडियो वाला? मेरा मन कर रहा था जाने का। चलो इसकी शक्ल पे ये हैवान वाली हंसी क्यों आई हुई है, मेरा मन कर रहा था जाने का, बट मेरी बाइक लेके मैं नहीं जा सकता, और मेरा मन कर रहा है एक्सपल्स खरीदने का। एक्सपल्स बेच के वापस एक्सपल्स खरीदना, ठीक है। इस बार वो वाली ले लेना, वो जो बड़ी वाली प्रो वाली। यार वो हाइट मेरे लिए थोड़ी ज्यादा है यार, पर मजा तो उसी में, उसको तो कहीं से कुछ भी कुदाओ, है ना, सबसे ऊंचा। थोड़ा जोर से बात कर ले, माइक के करीब हूं मैं काफी। अच्छा सुन ना, मेरे को मेरी निंजा कावासाकी में दे के आनी है, तू दे आ जाके जा। क्या काम है? सर्विस ना? या उसका पैनल खुल गया है सर, हुआ कुछ उसका बॉडी कवर का? ठीक है, मैं हर्षल आ रहा है आपके पास में, आपको प्रॉब्लम दिखा देगा क्या आप वर्कशॉप में? हाँ ठीक है, तो वो घंटे भर में पकड़ के चलो, वो आएगा। ओके ओके, हाँ मैं तेरे को प्रॉब्लम दिखाऊँ उसकी, चल आ जा, क्या सोल्यूशन निकालेगा वो देखेगा। हेलो या कहाँ से बोलिए? 1 मिनट, क्या अपग्रेड है सर? हाँ, जैसे कि आपको इससे पहले भी आपको कॉल हुआ था सर मेरा, इससे काम के मैं आपकी वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर हूँ सर। जैसे कि आपको अकाउंट कौन सा? मेरा सैलरी अकाउंट बोल रहे हो क्या आप? ओके, नहीं अभी फिलहाल तो मेरे को हाँ कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, थैंक यू। नहीं वो सेविंग नहीं है, वो आगे मुझे काम में लगने वाला है पैसा, तो वो कुछ टाइम में खाली हो जाएगा। तुम्हारा सैलरी अकाउंट है? सैलरी अकाउंट है, उसमें मैं जो हमारे नए जो बिजनेस है उसमें जो फंड्स जाने वाले हैं वो मैंने उसमें डाल के रखे हुए हैं, तो फटाफट HDFC ने डेडिकेटेड मैनेजर अलॉट कर दिया। तो सर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने फंड्स काफी उसमें अक्यूमुलेट किए हैं, सोच प्राइवेसी होनी चाहिए, ये वो देखते हैं जहाँ पे बैलेंस ज्यादा है वहाँ पे आओ। तुम्हें तो आते रहते होंगे ऐसे कॉल। तुम्हारा सैलरी अकाउंट है? हाँ जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा भी है। हमको तुम सैलरी देते हो, तुमको तो मेरे को भी सैलरी आती है, मैं भी ब्रोटोमोटिव का एम्प्लॉई हूँ। तुमको कौन सैलरी देता है? मैं खुद। बट दैट इज अ
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस. द बिजनेस ओनर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय फॉर द बिजनेस. ये सोच होनी बहुत जरूरी है. ऑल ऑफ अस आर बिलो द बिजनेस ग्रोज वी ऑल ग्रो. तो ब्रोटोमोटिव जो प्रॉफिट्स कमाता है वो हम ब्रोटोमोटिव की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं. हम जो 26 दिन यहाँ पे काम करते हैं उसके लिए हम एक सैलरी लेते हैं. कपड़ा मरवा दे. ये देख, ये गैप दिख रहा है, इधर का नहीं है ज्यादा, उसी का है. इन्होंने अंदर टेप भी लगाया था पर उसको देख, वो ठीक से जो कर सके वो करेगा. उसको समझा दियो, वाइब्रेट नहीं करता है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, दिखने में खराब लगता है. अंदर भी टेप मारा हुआ था पर वो टेप छूट गया है. और कोई उपाय है तो बताओ. कपड़ा मरवा ले गाड़ी को, ले जा और स्लोली आराम से लेके जाइयो. गाड़ी एक बार आएगा रुकेगा, ज्यादा गाड़ी दिन तो क्या मुरुम डाल देने का, रोलर करने का, छोटा खड़िया डाल देने बस. वो फैला देगा, वो पकड़ लेगा उसको, पकड़ लेगा उस किचन में. क्या बोलता है राघव? बराबर. वो नहीं डालना, ये अभी मेरे को हिसाब करके बता, तुरंत काम चालू करने का. तो इस सेक्शन में जो शेड बनना है उसका फाइनली डिसीजन ऐसा हुआ है कि हम स्लोपिंग इस तरफ लेने वाले हैं और यहाँ पे पूरा अभी फिलिंग करके उसका ग्राउंड लेवल मैच करना है रोड लेवल से, ताकि पानी वगैरह कभी बारिश तेज हो तो पानी अंदर ना आए या भरने की दिक्कत ना हो. तो अभी वेंडर आया है, उसको हमने जगह दिखाई है. अभी मेन हम आइडिया ले रहे हैं कि कितना फिलिंग लगेगा, कैसे बांधकाम होगा, आसपास ब्रिकवर्क होगा और कॉलम्स कैसे स्पेस आउट होंगे, उस बेसिस पे फिर अभी एक कोटेशन बनेगा और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है जगह का. A few moments later. आलम, मेजरमेंट वो देख लियो, गैप दोनों जगह बराबर जितना हो सके उतना बराबर से हो जाए. हमारी गाड़ी टॉप एंड मॉडल बन रही है. पूरा होने दो, अंधेरे में बहुत अच्छा लगता है, ये दिन में इतना नहीं पता चल रहा आपको. हमसे किसी ने पूछा क्या आप इसी गाड़ी को टॉप एंड बना रहे हैं, मैं बोला आप बना ही रहे. मेरा तो मन है इसको एटलीस्ट स्टेज वन रिमैप करने का. ठीक है यार, चलने दे. अभी एग्जॉस्ट बदला ना, टक 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 टाके मारेगी. चलो तुम ये ले लो, मैं मारुति ले लेता हूँ. जब इसमें वो साइलेंसर लगा देंगे, ऐसे भी देखो माइलेज वाइलेज देती नहीं वो. हाँ, रेसिंग वाला साइलेंसर लगा देंगे. नहीं, उसका टॉर्क और हॉर्स पावर का सब काला करना पड़ेगा ना कि नहीं करना पड़ेगा? काला नहीं, नहीं ऐसे अच्छा लगेगा ऐसे ही. और एक लेंगे गाड़ी, जो मर्जी है लगा. साइलेंसर चेंज करो इसका, स्पोर्ट्स वाला. अभी 8 किलोमीटर देरी है वो लगने के बाद 5 किलोमीटर पे. नहीं नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं आता, उल्टा थोड़ा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है माइलेज बढ़ेगी. लगा लो 0.5 से 1 बढ़ जाता है, फ्री फ्लो हो जाता है ना. अभी ये कैमरा का सेटअप चालू है. तो पुराने शेड के हिसाब से पहले कैमरा डिजाइन थे, तो नए शेड में आए तो इधर के हो गए थे, बट कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे कैमरा कवर नहीं हो रहा था. तो उसके लिए अभी जो जो एरियाज अंडर कवर नहीं थे उसके लिए अभी कैमरा सेटअप कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे बाइक्स का पंक्चर हो जाता है, हवा निकल जाता है कोई, तो यहाँ पे भी एक कैमरा लगा रहे हैं अभी ये एंगल से. मेरे को एम्बिएंट लाइटिंग वैसे पसंद है, तो मैंने ठीक है, इट्स नॉट अच्छा, परफेक्ट ठीक है, पर गाड़ी में थोड़ा सा डिस्कोथेक वाली फील आ रही है. इसको बिल्ली काट गई है, इंजेक्शन लग रहा है इसको. बिल्ली को उठा के लेके जा रहा था, बिल्ली को बचाने गया. ये बिल्ली को बचाया, बिल्ली को छुड़ा लिया, बिल्ली ने गुस्से में थी इसको काट दिया और हाथ वाथ फूल गया. 5 इंजेक्शन लगेंगे, अभी एक लगा के आया, 4. बिल्ली का बच्चा था ना, कुछ होगा नहीं, पर देखिए इसके फूल गया, हाथ फूल गया. वो तो इन्फेक्शन होता है थोड़ा. मैं ये लगाया मैंने, सुने इसमें एक भी मिस नहीं होना चाहिए. मैं बता रहा हूं, ये डेट पे लगने चाहिए 5 के 5. अभी डेट क्या दिया, उल्टा एक दिन पहले भी गया तो भी चलेगा. 3 तारीख को दिया है ना. हाथ देखा, हाथ फूला हुआ है क्या? हाँ फूल गया है. अभी थोड़े दिन के बाद तुम म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देगा. देखो लाइट देखो. अरे डोर बंद करने पे क्या फ्लिकर करती है क्या? नहीं नहीं मोड है वो. हेलो म्यूजिक, ये देख. हेलो 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 हेलो. ओ अच्छा, आवाज पे रिएक्ट कर रही है. वाओ, ये तो सही है यार, है ना. हाँ ये देख, सिंगल कलर में जाके यू कैन सिलेक्ट. सही यार, ये प्रीसेट कलर है, रेड येलो ग्रीन साइन ब्लू पर्पल व्हाइट. इसमें ये भी ऑप्शन है, नीचे देख ब्लू है, ऊपर रेड है, ठीक है. ऊपर ग्रीन है, नीचे ब्लू है, अदर लाइट्स रेड, तो यू कैन कंबाइन ग्रीन एंड रेड ऑल्सो. पर देखना केबिन में फील चेंज हो गया पूरा. हाँ. पीछे की फ्लोर लाइट में भी देखना कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया. अच्छा बाय द वे, हम लोगों ने लाइट को इग्निशन से कनेक्ट किया है. ये जब इग्निशन ऑन होता है तो ये सारी दिखती है लाइट, काफी प्यारी लग रही है ना. अच्छा तो सब लोग ये मेरी गाड़ी में देख के बोलेंगे हमें अपनी गाड़ी में भी लगाना चाहिए, पर
हमारे डोर पैड में कहीं भी हम लोगों ने होल नहीं किए, बट वो डिजाइन पे बहुत मैटर करता है। कई गाड़ियां ऐसी होती है जहाँ पे पैनल पे होल करना पड़ता है। तो पुरानी गाड़ी है तो इट्स ऑल गुड, बट आपकी अगर नई गाड़ी है तो मैं आपको ये लगाने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर उसमें वैसा कहीं ड्रिल या होल डोर पैनल पे मारना पड़े तो। मेरे केस में पुरानी हो गई, कुछ नया फीलिंग आ जाता है गाड़ी में, और एम्बिएंट लाइटिंग का मैं हमेशा से शौकीन रहा हूँ, इसलिए मुझे मर्सिडीज बेंज भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। सोने की पट्टी लगा देने से और बेटर हो गया, सिल्वर की या सोने की। हीरे जड़वा देते, चलो हीरे जड़वा, टाइम लगेगा हीरे हीरे का गोडाउन बहुत करते हो कसम से। क्यों भाई हैं? हमारे साहब जो है हीरे हीरे लगवाएंगे। अरे काम अच्छे से करना ही है ना। वही तो अच्छा ही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल। क्यों भाई है? सोने के पत्रे पट्टियाँ गोल्डन। अच्छा आप सुनो, मल्लू धूम साउथ इंडियन धूम।